हेलो नमस्ते खुलुम्बाई में सुष्मिता आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है और मैं भी बढ़िया हूँ, जिंदा हूँ। मतलब आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ चली गई मैं, तो मतलब ना पूजा दुर्गा पूजा चला गया और उस टाइम पे मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम पे मुझे पीरियड्स हो गया, ना तो पेंडल हॉपिंग किया ना तो पूजा किया, इसलिए ब्लॉग भी मैंने नहीं बनाया, आराम से रेस्ट किया। और आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज हम टाउन में जा रहे हैं और अभी टाइम है लक्ष्मी पूजा का। तो हमारे बिजनी टाउन में जो है ना हर साल लक्ष्मी पूजा बहुत बढ़िया से धूमधाम से लगता है, बहुत बड़ा मेला होता है। 2 साल तो नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा मेला मतलब नहीं हुआ था, तो रियान को लेके जा रही क्योंकि ना दुर्गा पूजा में उसको घुमाना नहीं हुआ, मैं नहीं जाने की वजह से उसको भी कहीं लेके जाना नहीं हुआ, तो सोच रहे कि उसको घुमा के लेके आए। मेला अच्छे से स्टार्ट हुआ कि नहीं पता नहीं, देख के आते। हम तो जाते रहेंगे, काफी दिनों का है और आप लोग मतलब नजदीक के तो प्लीज जरूर विजिट करना, बहुत ही बढ़िया सा मेला लगता है। तो अभी जल्दी से रेडी हो जाते है और निकल जाते हैं, रियान को भी रेडी करवाना है। रियान ने आज सुबह ब्रश ही नहीं किया था कि नहीं, ये लीजी हो गया रियान, अभी मेला जाएगा इसलिए कर रहा है, नहीं तो नहीं करता है कि नहीं, एक ही नहीं बोला करता है कि नहीं तुम ब्रश ई करो ई। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया सी प्रोडक्ट की रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको तो पता है कि हम लेडीज को जो है ना काफी कम मौका मिलता है खुद का ध्यान रखने का, खुद को पेम्पर करने का, और ये तभी पॉसिबल होता है जबकि कुछ स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल फेस्टिवल आ रहा हो। तो अभी फेस्टिवल का सीजन है और इंडिया के हर एक कोने में फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कुछ दिन पहले नवरात्रि खत्म हुआ, उसके बाद अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट आसाम में लक्ष्मी पूजा चल रहा है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आएगा, उसके बाद दिवाली। तो अभी फेस्टिव का सीजन है और हम लेडीज चाहते हैं कि हमारे फेस में जो है एक अलग सा निखार आए, लेकिन हम काम में इतने बिजी होते हैं इस टाइम कि घर की साफ सफाई हो या फिर शॉपिंग में इतने उलझ जाते हैं कि खुद के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। और सैलून की तो बात ही छोड़िए, बिल्कुल भी फेस्टिवल के टाइम में अपॉइंटमेंट मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइम के लिए मतलब हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो हम घर बैठे आराम से आसानी से अपने फेस में निखार पा सके। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही बढ़िया सी सोल्यूशन है, तो उस सोल्यूशन का नाम है न्यूट 6 स्टेप्स DIY मेकओवर फेशियल किट फॉर सैलून लाइक ग्लो एट होम। इस DIY फेशियल किट में आप लोगों को वो सारे 6 स्टेप्स मिल जाएंगे जो आप लोग सैलून में जाके फेशियल करवाते हैं, बस 30 मिनट्स में ये आप लोगों को चांसा निखार आपके चेहरे में दे देगा। ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, साथ में मतलब आप लोग का ये टाइम भी बचाएगा, साथ में मनी भी बचाएगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे कुछ भी केमिकल नहीं है लाइक सल्फेट, पैराबिन, फॉर्मल्डिहाइड। तो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ एक एक करके कि इसे कैसे यूज करते हैं। किट का जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लींजिंग मिल्क। तो हम हमारी क्लीन फेस में इसको अप्लाई करेंगे, हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में 2 मिनट्स तक सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। उसके बाद हम इसको फिर 2 मिनट्स के लिए रखेंगे और उसके बाद गीले टॉवल से हम इसको आराम से पोंछ लेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। तो इसे भी हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में 2 मिनट्स के लिए आराम से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करना है जेंटली। उसके बाद हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद हम गीले टॉवल से आराम से इसको पोंछ लेंगे। और उसके बाद बारी आती है मसाज की, तो इसको भी हम हमारे ऑल ओवर फेस में, नेक में फिंगर टिप्स की मदद से जेंटली अपवर्ड सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद जो भी बचा कुचा होगा उसको हम गीले टॉवल की मदद से साफ कर लेंगे। और उसके बाद बारी आती है फेस मास्क की, तो इसे भी हम हमारे पूरे फेस में और नेक में फिंगर या फिर किसी ब्रश की मदद से हमारे ऑल ओवर फेस में अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे और इसको 10 मिनट तक ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और ये ड्राई होने के बाद हम अच्छे से इसको ठंडे पानी से अच्छे से धो लेंगे। और उसके बाद बारी आती है 5th स्टेप की, जो कि फेस सीरम। तो इसको हम 2 से 3 ड्रॉप निकालेंगे और हमारे फेस में और नेक में लाइटली कवर करते हुए इसको अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद आज का जो लास्ट स्टेप है वो है सनस्क्रीन, तो इसे भी हम हमारे पूरे फेस में और नेक में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद हम खुद महसूस कर सकते हैं कि हमारा फेस जो है कितना ग्लोइंग लग रहा है। तो वेट किस बात का, अगर आप लोग भी इस फेस्टिव सीजन में ग्लो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। आप लोग के ये न्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट में भी मिल जाएगा और आप लोग हाई से अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं। मुझे था Up down, up down, up down, up down. Up down, up down. Down.
आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, रात होने वाला है। मेला जस्ट स्टार्ट हो रहा है, मतलब जस्ट बना रहे ना, अच्छे से पूरा दुकान भी नहीं लगा। ठीक है, सोफा भी बेच रहे हैं क्या? पता नहीं, बन रहा है अंदर अंदर अंदर। बहुत बड़ा एरिया है ना, उधर भी है आगे मंदिर के नजदीक, यहाँ पे एक्सपो लगेगा शायद, मेगा। नहीं दौड़ते इधर, और बना रहे अभी जस्ट, और पूरा पानी पानी है बारिश का मौसम होने की वजह से, कुछ भी हुआ नहीं है, दुकान सब जस्ट बना रहे मतलब। चलो चलो खा ले बाबा। ये राउंड वाला देना। हाँ हाँ नहीं नहीं बाबा, बड़ा होता है शायद, थोड़ा ना छोटा होता है ये, छोटा ना बड़ा, छोटा है साइज है, अच्छा दिख रहा था लेकिन छोटा छोटा मतलब बड़ा से लग रहा है मुझे, ढीला जैसा है, दिखा ना बाबा। वाओ, और इधर है हमारा बिजली का लक्ष्मी मंदिर, ले लो क्या, कितना बड़ा, हाथ में ना गर्दन में, गर्दन में फेंक सकता है, हाथ में फेंक सकता है। रुद्राक्ष ले लिया, हस्बैंड को चाहिए था बोले लगा लो। अभी हम मेला से निकल गए, ऐसा कुछ खास अभी तक लगा नहीं है, जस्ट स्टार्ट हो रहा है मतलब, तो अभी जाते कुछ खा के वापस, अंधेरा ही होने वाला है। सोचा था कुछ चीज़ अगर चालू हुआ तो इसको रियान को उठाएंगे हम, लेकिन कुछ भी चालू भी नहीं हुआ, देखते दो दिन बाद शायद पूरा अच्छे से मतलब चालू हो जाएगा तो आएंगे। अभी जस्ट मतलब दुकान सब बैठ रहा है इधर उधर, आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा ये एरिया मेला लगने वाला है और भीड़ भी बहुत होगा, पता नहीं अच्छे से ब्लॉग कर पाऊंगे कि नहीं। और इधर फूड ट्रक है, कुछ खाना है क्या यहाँ पे, या फिर बैठ के खाओगे कहीं पे? आएंगे ठीक है, कहीं पे बैठ के आराम से खाते हैं, और क्या ही करें अभी। तो अभी हम रेस्टोरेंट में आ गए, हमने सोचा था कि बाहर ठेला वगैरह लगा तो वहाँ पे फूड मतलब फूड वगैरह खा लेंगे, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं लगा अभी, तो फिर रेस्टोरेंट में आ गए हम। और रियान इधर भी कैंडी फ्लो ही खा रहा है, क्योंकि रियान को कुछ भी नहीं मिलेगा इधर, लेकिन रियान को बस कैंडी फ्लो ही मिलेगा। तो ये हमने बिरयानी ऑर्डर किया है गर्मा गर्म, ये तुम ले लो और रियान और मैं ये खा लेंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे ना रियान और मम्मा, एक भी है रियान, रियान खाएगा एक, ये देखो ये रहा एक। चिकन कहाँ है हम लोग का, चिकन चिकन ही नहीं क्या, ये रहा और ये रहा हमारा चिकन रोल, बस इतना ही। खा तो मजे से लिया, बहुत सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अभी लगता है कि बर्तन धोना पड़ेगा। ना बिल पे करने के लिए मिलते तो नहीं है, अब पूछते देते हैं कि नहीं, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तुम्हारे पास है, तब तो खत्म, पूछते मुझे लगा तुम लेके आए पैसा, बर्तन धोने से होगा नहीं भैया, कुछ तो कुछ मैं। तुम कितने लेके आए पैसा, पता नहीं खाते वक्त कोई हिसाब नहीं किया, कम ही पड़ जाएगा, मेरे पास भी एक रुपये भी नहीं है, मैं लेके ही नहीं आया। चलो पूछते हैं, बर्तन धोना नहीं पड़ेगा लगता है। हेलो, 50 था ना क्या मेरे पास, 73।